श्रीमद् भागवत गीता सार भाग 3 में आपका स्वागत है। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता अपितु मेरे धाम को प्राप्त होता है। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में काम करना निष्क्रिया से बेहतर है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। वासना पुनर्जन्म का कारण बनती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। आनंद अपने अंदर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में या बाहर के सुखों में खोज रहा है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, है पार्थ, जहाँ विश्वास है वहाँ भी कृष्ण के दस्तखत है। आखिर गीता पर भी कहा, श्री कृष्ण के दस्तखत है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है
वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। जो सब प्राणियों के दुख सुख को अपने दुख सुख के समान समझता है और सबको संभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे पा नहीं सकते। अथ वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक सफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमर्त्य भी हूँ और मृत्यु भी। जब आप अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल कर जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर होता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। दैवीय संप्रदा से युक्त पुरुष में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति का भाव होता है। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जानने की शक्ति, झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। वासना, क्रोध और लालच नरक के तीन दरवाजे हैं। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करे, यह आपके जीवन को ध्वंस कर देगा। अंत में इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।